फिनॉल के भौतिक गुण हम लोग पढ़ रहे थे और उनमें से कुछ भौतिक गुणों को हमने कंप्लीट भी कर रखा था। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने अवस्था का निर्धारण कर रखा था और हम लोगों ने एक और नंबर पढ़ा था जिसमें हम लोगों को ये पता चला था कि जो फिनॉल होते हैं वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, इसलिए फिनॉल जो है वो जल में घुलनशील हैं। तो इसी नंबर के आगे पाँच नंबर हम लोगों ने कल पढ़ रहे लिखे थे, आज हम लोग छठवें नंबर से स्टार्ट करेंगे। छठवें नंबर पर ध्यान रखने वाली बात यह है, फिनॉल जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध जरूर बना लेता है और यही रीजन होता है कि फिनॉल जल में घुलनशील है, परंतु फिनॉल ठंडे जल में घुलनशील नहीं भी है। ये भी थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। अगर फिनॉल की घुलनशीलता ठंडे जल के प्रति देखेंगे तो ठंडे जल में फिनॉल बहुत ही कम घुलनशील होता है। तो एक नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे अब, तो आज के दिन छठवें नंबर पर स्टार्ट करेंगे। तो ये बात लिखेंगे कि फिनॉल जो होता है ठंडे जल में अल्प विलेय है, अल्प का मतलब बहुत ही कम, अल्प विलेय है। थोड़ा ये याद रखने वाली बात है, आप जल को जितना ठंडा करते चले जाओगे फिनॉल की जल में घुलनशीलता उतनी ही कम हो जाएगी। एक बात तो ये छठवें नंबर पर। बेटा सातवें नंबर पर एक बात और बताई जा सकती है, देखो क्या, पहले मैं लिख रहा हूं फिर समझते हैं इसको। पॉलीहाइड्रिक फिनॉल या पॉलीहाइड्रिक फिनॉल को ऐसे भी लिख सकते हो, पॉलीहाइड्रोक्सी फिनॉल। कहता है जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं या बहुत ज्यादा घुलनशील होते हैं। जल में अधिक घुलनशील होते हैं, या आप इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते थे कि जल में बहुत ज्यादा घुलते हैं, बहुत अधिक विलेयता होती है। मैंने लिख रखा है जल में बहुत अधिक घुलनशील होते हैं। अच्छा, इस नंबर के क्वेश्चन को अगर पूछ भी लिया जाए, कैसे पूछ लिया जाए, पूछा जाए कि पॉलीहाइड्रोक्सी फिनॉल या जिनको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रिक फिनॉल, तो पॉलीहाइड्रोक्सी या पॉलीहाइड्रिक फिनॉल जल में अधिक घुलनशील क्यों होते हैं, इसका कारण भी बता सकते हो। देखो पॉलीहाइड्रोक्सी फिनॉल या पॉलीहाइड्रिक फिनॉल की बात करें तो पॉलीहाइड्रिक फिनॉल कुछ ऐसा होता है बेटा कि उसमें OH ग्रुप जो है वो कई बार लगा रहता है, उसी को तो पॉलीहाइड्रिक बोलते हैं। मैंने पहले भी बता रखा है पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी का मतलब बहुत से। अगर किसी भी फिनॉल में OH ग्रुप कई बार आया है तो मैं क्या बोलता हूँ, OH ग्रुप जितनी ज़्यादा बार आएगा, जितनी अधिक बार आपको देखने को मिलेगा फिनॉल के फॉर्मूले पर, वो कंपाउंड उतना ही अधिक जल में घुलनशील है। कारण भी बता सकते हैं इसका, देखो कैसे कारण बोल सकते हैं। बेटा आप सभी जानते हो जो OH वाला पार्ट है, ये वाला भाग जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, तो हम इस भाग को कहते हैं जल स्नेही भाग। और जल स्नेही भाग क्या करता है, फिनॉल का जल स्नेही भाग जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जिससे यौगिक जल में घुलनशील हो जाता है। अभी मैं क्या सोचता था, एक नॉर्मल फिनॉल पर चलते थे C6H5OH पर, उसमें OH ग्रुप केवल एक बार मिलता था, इसका मतलब उसमें जल स्नेही भाग छोटा था। लेकिन पॉलीहाइड्रिक फिनॉल में से आप देखते हो OH वाला भाग कम से कम तीन बार तो है, कभी कभी दो बार भी होता है, इसमें मैंने तीन बार बना रखा है। तो इसमें से क्या सोचते हैं कि जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले भागों की संख्या इसमें से कैसी है, ज्यादा। इसका मतलब ये जल के अणुओं के साथ बहुत अच्छे बॉन्ड बना सकता है, और जब जल के अणुओं के साथ बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है तो इसकी जल में घुलनशीलता भी कैसी होती है, अधिक। इस बात को हमेशा तैयार रखना, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि आप फिनॉल के फॉर्मूले पर बेंजीन रिंग पर जितने ज्यादा OH पाओगे, बेंजीन फिनॉल की जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बनाने की शक्ति उतनी ही अधिक होगी, और
अगर फिनॉल में से OH समूह के जल के प्रति हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता बढ़ जाती है तो फिर कंपाउंड जल में घुलता भी ज़्यादा है। तो इसको याद रखेंगे हमेशा। मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूँ कि हमने किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए लिखा है, मैं केवल बता रहा हूँ। इसको ध्यान रखने वाली बात है OH वाला भाग, क्योंकि जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ऐसे भाग को क्या नाम देते हैं, जल स्नेही भाग। और बाकी का बचा हुआ भाग, ये वाला देखो, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं जल विरोधी भाग। रीजन है इसको जल विरोधी भाग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो भाग दिख रहा है, जो मैंने बीचों बीच लिखा है, ये भाग ना तो जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ना आयनों में टूट सकता है, ना इसकी ध्रुवीयता अधिक है। इन तीनों ही कारणों से ये जल में घुलनशील तो नहीं है, इसलिए इस भाग को कहते हैं जल विरोधी भाग। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर पहले से देख रहा हूँ कि जल स्नेही भाग कई सारे हैं, अर्थात जल में घुलनशीलता को पक्का बढ़ा देंगे ये, तो एक बात बेटा ये भी लिखनी है होगी हम लोगों को। अगर ये तो बता दिया है घुलनशील है, ये भी बात बता दें क्योंकि पॉलीहाइड्रोक्सी फिनॉल में से जल स्नेही भागों की संख्या कैसी होती है, अधिक, यही कारण से होता है इनका। तो मैं इसी में लिखे रहता हूँ, मैंने सबसे पहले लिखा है पॉलीहाइड्रिक फिनॉल या पॉलीहाइड्रोक्सी फिनॉल जल में अधिक घुलनशील होते हैं। अब मैं यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट करूँगा, क्योंकि इनमें जल स्नेही भागों, और कोई पूछेगा जल स्नेही भाग कौन सा है, तो भैया मैं बता दूंगा सिंगल बॉन्ड OH, जल स्नेही भागों की संख्या अधिक होती है। तो बेटा ये इस बात का रीजन भी हो जाएगा कि पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स में आप उनको ज्यादा घुलनशील क्यों मानते हो। तो भैया मैं आसानी से बता सकता हूं कि पॉलीहाइड्रोक्सी फिनॉल में या पॉलीहाइड्रिक फिनॉल में जल स्नेही भागों की संख्या अधिक है। आठवें नंबर पर आ जाते हैं, नेक्स्ट नंबर, और नेक्स्ट नंबर बेटा बहुत समझने लायक है। देखो इसको क्या है कि इसको समझना अपने आप में थोड़ा सा कठिन है, ध्यान से इसको याद रखना। होता क्या, देखो मैं बनाता हूं एक फिगर। मैंने फिनॉल का फिगर बना रखा है, और फिनॉल के फिगर में मैंने ऊपर लिख रखा है O सिंगल बॉन्ड H, और इस पर मैंने एक नया ग्रुप लगा रखा है फ्लोरो F लगा रखा है। अब ध्यान देने वाली बात है फिनॉल में इसको क्या बोलते हैं, देखो कंडीशन पे देखोगे फिनॉल का फॉर्मूला था, इसको ऑर्थो बोलते हैं, इसको मेटा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं पैरा, पैरा पोजीशन पे फ्लोरो लगा है, तो इसका नाम है पैरा फ्लोरो फिनॉल। तो पैरा फ्लोरो फिनॉल का एक मॉलिक्यूल और बनाते हैं, और इस बार बेटा थोड़ा सा चेंज रखेंगे पैरा फ्लोरो फिनॉल में। देखो ये इस बार फ्लोरो ग्रुप ऊपर लगा है और OH वाला ग्रुप नीचे लगा हुआ है। मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर एक बर्तन में पैरा फ्लोरोफिनॉल को भर दिया जाए, तो आप क्या सोचते हैं, अगर बर्तन में पैरा फ्लोरोफिनॉल को भर दिया गया तो क्या उसमें केवल एक अणु पैरा फ्लोरोफिनॉल को होने वाला है, बहुत सारे अणु होंगे पैरा फ्लोरोफिनॉल के, और वे बहुत सारे अणुओं में देखने को क्या मिलेगा, जो भी देखने को मिलेगा इधर देखते हैं, देखो देखने को ये मिलने वाला है। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना बेटा, ओ और एच के बीच ये बॉन्ड बना हुआ है, क्योंकि ओ की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अधिक है। आप इस बात को जानते हो कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित, जिससे ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से धनावेश। आंशिक का मतलब है पूरा धनावेश नहीं आएगा, जितना बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही धनावेश आएगा हाइड्रोजन पर और उतना ही अधिक ऋणावेश आएगा ऑक्सीजन पर। अगर सेम चीज़ तो ये भी होने वाली, इसको भी तो आप जानते हो, यहाँ पे बॉन्ड एफ और किसके बीच बना होगा, सी, क्योंकि F का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होता है, F पर भी आंशिक रूप से कैसा आवेश आएगा, ऋणावेश, और कार्बन पर आंशिक रूप से कैसा आएगा, धनावेश। बेटा यही चीजें नीचे लिख लेते हैं, कार्बन पर आंशिक रूप से धनावेश, फ्लोरीन पर आंशिक रूप से ऋणावेश, हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से धनावेश और ऑक्सीजन पर आंशिक रूप से ऋणावेश, क्योंकि बॉन्ड ऑक्सीजन की ओर खिसक गया है। अब होता क्या है, अगर पैरा फ्लोरोफिनॉल को एक बर्तन में भर दिया जाए तो बहुत सारे अणु जो पैरा फ्लोरोफिनॉल के होते हैं वो इस प्रकार की संरचना बना लेते हैं। कैसी संरचना,
कि एक अगर फॉर्मूले पर OH ऊपर है, फ्लोरो नीचे है, तो दूसरे फॉर्मूले पर क्या होगा, फ्लोरो ऊपर और OH नीचे। क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि देखो H का पॉजिटिव चार्ज F के निगेटिव चार्ज को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, और यहां देखो F का निगेटिव चार्ज H के पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इससे होता क्या है, पैरा फ्लोरोफिनॉल के मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, आकर्षित करते रहते हैं, और आकर्षित करने की वजह से ये अणु आपस में एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं, आसानी से अलग नहीं होते। आसानी से अलग नहीं होते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता होगा, दो इफेक्ट पड़ते होंगे। पहली चीज, अगर पहला इफेक्ट मैं बात करूं तो पहला इफेक्ट तो बेटा ये बात पड़ता है कि इनके क्वथनांक की बात सबसे पहले करेंगे कि इनके क्वथनांक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बेटा क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक में मैं बताऊं आपको थोड़ी सी बात, इधर बेटा ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आपने एक बर्तन पे यहां पर लिक्विड ले रखा है, द्रव ले रखा है, उसमें द्रव के बहुत सारे अणु एक दूसरे के साथ हैं। मैंने द्रव के बहुत सारे अणु एक दूसरे के साथ क्या कर दिया, बना दिया। द्रव के अणु आपस में आकर्षण बल के थ्रू जुड़े होते हैं, किसी बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। आप जब इसको गर्म करते हो तो गर्म करने पर होता क्या है, द्रव के छोटे छोटे अणु अपने चारों ओर के अणुओं से अपना आकर्षण बल समाप्त करते हैं, या वो जो बॉन्ड चारों ओर से बनाए होता है वो बॉन्ड को तोड़ता है, और ये द्रव का अणु द्रव से कहां निकल आता है, बाहर। जैसे ही द्रव का अणु द्रव से बाहर निकला, आप इसको क्या कहते हो, कहोगे कि हमने द्रव के अणुओं को कौन से रूप में बदल रखा है, वाष्प के रूप में। और जब द्रव का अणु वाष्प के रूप में बदलता है, आपको याद होगा इस तापमान को हम कहते हैं क्वथनांक। तो क्वथनांक में किसी द्रव को ले जाने के लिए एक घटना आवश्यक है। क्या घटना आवश्यक है, कि द्रव के अणु का उसके चारों ओर के अणुओं द्वारा बने बॉन्ड को क्या कर देना है, तोड़ना है, और बॉन्ड को तोड़कर अणु को वहां से कहां करना है, बाहर। भैया बॉन्ड जब तक नहीं ब्रेक कर पाएगा, सोचो इस अणु को मैंने जिसको बिल्कुल पूरी तरीके से काला कर रखा है, अगर इस काले वाले अणु का बॉन्ड अगल बगल वाले अणुओं के साथ बना रहेगा, क्या ये अगल बगल वाले अणु इस काले वाले अणु को बाहर निकलने देंगे, नहीं। अगर काले वाले अणु को बाहर निकलने नहीं देंगे तो ये अणु कभी वाष्प के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, और जब वाष्प के रूप में परिवर्तित नहीं होगा तो क्वथनांक भी तो नहीं आएगा। लेकिन अगर हम कुछ काम ऐसा कर दें कि इस ब्लैक वाले मॉलिक्यूल का बॉन्ड जो इन चारों अणुओं के साथ बना हुआ है वो बॉन्ड ब्रेक कर दें, तो बॉन्ड के ब्रेक होते ही ये मॉलिक्यूल जो है ये हवा में निकल जाएगा। हवा में निकल जाने का मतलब है ये वाष्प के रूप में बदल जाएगा, और जैसे ही वाष्प के रूप में बदलेगा आप इस बात को तुरंत कंफर्म कर दोगे, कहोगे पदार्थ को हमने उसके क्वथनांक पर पहुंचा दिया है, हमने पदार्थ को इतना गर्म किया है कि अणु वाष्प के रूप में बदल गया, इसलिए जितने टेम्परेचर पर हमने पदार्थ को गर्म किया है ये उस पदार्थ का क्या है, क्वथनांक। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, नॉर्मल मॉलिक्यूल, फिनॉल वाले की तो बात ही छोड़ देते हैं, नॉर्मल मॉलिक्यूल जो होते हैं अपने अणुओं के मध्य बनाते हैं वांडर वाल्स बंध, ध्यान रखना इसको। नॉर्मल अणु अपने, नॉर्मल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अपने अणुओं के मध्य बनाते हैं वांडर वाल्स फोर्स, याद रखो देखो, और नॉर्मल वांडर वाल्स फोर्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 8 किलो जूल प्रति मोल से भी कम चाहिए, इसको भी ध्यान रखो थोड़ा सा। ये बात तो याद कर सकते हो, करो, ना याद कर सकते हो मत करो। नॉर्मल मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के साथ वांडर वाल्स फोर्स के थ्रू जुड़े हैं उसको तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए होती है, 8 किलो जूल प्रति मोल से कम। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो 8 किलो जूल प्रति मोल से 44 किलो जूल प्रति मोल के मध्य। सोचो नॉर्मल मॉलिक्यूल जो वांडर वाल्स फोर्स के थ्रू अणुओं को जोड़े होगा उसको गर्म करने के लिए हमें केवल इतनी एनर्जी देनी है और पदार्थ उबलकर क्वथनांक पर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर किसी भी पदार्थ में अणुओं के मध्य वांडर वाल्स फोर्स अप्लाई हो रहा है, वांडर वाल्स बंध बन रहा है, सॉरी हाइड्रोजन बंध बन रहा है, तो उसको तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, अर्थात हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कैसी चाहिए, ज्यादा। अब बात कर लेंगे, क्योंकि पैरा फ्लोरोफिनॉल के अणुओं के मध्य देखो हाइड्रोजन बॉन्ड वर्क करता है या हाइड्रोजन बंध बनता है, पैरा फ्लोरोफिनॉल के अणुओं के मध्य बने उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है।
अगर बेटा इसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, किसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी? पैरा फ्लोरोफिनॉल के अणुओं के मध्य बने कौन से बॉन्ड को? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। सोचने वाली बात है, अधिक ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? अधिक ताप देते हुए, अर्थात पदार्थ का टेम्परेचर कैसा करना पड़ेगा? और भी ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, ऐसे पदार्थों के क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च। जिस भी पदार्थ में अणुओं के मध्य अच्छा खासा स्ट्रांग बॉन्ड बनता है, उस स्ट्रांग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, और वो एनर्जी प्राप्त करने के लिए टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए। अगर टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पदार्थ का क्वथनांक कैसा है? अधिक है। तो बाकी तो रीजन बहुत छोटा था, क्या मैं बता सकता हूँ? मैं इतनी बात क्यों बता देता, हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति के कारण पैरा फ्लोरोफिनॉल के जो क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं। ये पहली बात हो गई। और दूसरा बात क्या है कि गलनांक वाली बात करेंगे। अरे बेटा, क्वथनांक वाली बात जान गए तो गलनांक वाली भी बात वैसी है। अगर किसी पदार्थ के क्वथनांक बॉन्ड पर डिपेंड करते हैं तो गलनांक भी बॉन्ड पर ही डिपेंड करता है। अधिक स्ट्रांग बॉन्ड, अधिक क्वथनांक और अधिक गलनांक। तो इस बात को हम लिखेंगे कि जो पैरा फ्लोरोफिनॉल होता है, पैरा फ्लोरो फिनॉल, इस पैरा फ्लोरोफिनॉल का गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च। तो मैं यहां लिखे देता हूं, गलनांक को बेटा एमपी लिख देते हैं, हां, और बेटा क्वथनांक को हम लिख देते हैं बीपी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। कैसे होते हैं अधिक? आपेक्षिक रूप से अगर आप कभी इसको तुलना करोगे तो पैरा फ्लोरोफिनॉल के गलनांक और क्वथनांक उच्च होंगे। अभी केवल यही बात नहीं समझनी है, एक बात और समझनी है, और उस बची हुई बात को समझेंगे इधर की ओर। देखो, मेरे पास एक और फिनॉल है और इस दूसरे फिनॉल में से ओ सिंगल बॉन्ड एच है ही, और फ्लोरो लगा है ऑर्थो पोजीशन पर। अब ऑर्थो पोजीशन एक और अणु बना लेते हैं, क्योंकि कंपेयर जो होता है वो समान प्रकार के अणुओं में किया जाता है, हालांकि कुछ डिफरेंस तो जरूरी भी है। ये मैंने बना रखे हैं ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल। तो पहले मैं नाम लिख देता हूं, इन दोनों के ही नाम है, ऑर्थो फ्लोरो फिनॉल। अच्छा, ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल में होता क्या है? देखो, सोचो अपने मन से, O और H के बीच बना हुआ बॉन्ड किसकी ओर खिसक जाएगा? O की ओर। इस प्रकार से O पर ऋणावेश आंशिक रूप से, H पर धनावेश, और इसमें भी बॉन्ड किसकी ओर खिसक जाएगा? F की ओर, कार्बन पर ऋणावेश, सॉरी ऋणावेश फ्लोरोइन पर, कार्बन पर धनावेश। सेम कैटेगरी इस पे भी रहेगा, O पे आंशिक रूप से ऋणावेश, H पर आंशिक रूप से धनावेश, फ्लोरो पर आंशिक रूप से ऋणावेश, और इस कार्बन एटम पर आंशिक रूप से धनावेश। होता क्या इस दौरान? अब कहता है इनके अणुओं के बीच बॉन्ड बनेगा, मैं कहूंगा बिल्कुल बनेगा। कहेगा इसका भी गलनांक और क्वथनांक होगा, इसका भी गलनांक और क्वथनांक होगा, तो हमें कंपेयर करना होगा इसके गलनांक और क्वथनांक को इसके गलनांक और क्वथनांक से, अर्थात पैरा फ्लोरोफिनॉल के गलनांक और क्वथनांक की तुलना ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल से। ध्यान रखने वाली बात है, इसको देखना बेटा, इस पर आंशिक रूप से देखो एच पर धनावेश है और एफ पर आंशिक रूप से कैसा आवेश है? ऋणावेश। तो करता होता क्या है इस दौरान ऑर्थो वाली कंडीशन पर, इसका फ्लोरो उसके हाइड्रोजन से हो जाता है दूर, तो इसका फ्लोरो उस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को आकर्षित नहीं कर पाता है। क्यों आकर्षित नहीं कर पाता है? क्योंकि फ्लोरीन को देखो एक नजदीक हाइड्रोजन मिल गया आकर्षित करने के लिए, इस फ्लोरीन को भी नजदीक हाइड्रोजन मिल गया। सोचो, इसी अणु का हाइड्रोजन इसी अणु के फ्लोरीन को आकर्षित कर रहा है, यहां पर ऐसा क्यों नहीं होता था? क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का गैप कैसा हो जाता था? ज्यादा अधिक होता था। तो ये हाइड्रोजन इस फ्लोरीन को आकर्षित कर पाए, ये चांस बहुत कम होते थे। लेकिन ऑर्थो पोजीशन पर लगे होने की वजह से हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? समीप। इसमें भी तो यही कंडीशन है, समीप है। अब सोचने वाली बात है, इस हाइड्रोजन ने इस फ्लोरीन के साथ अंदर ही हाइड्रोजन बंध बना लिया, इसने अपने फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, तो
इस अणु और इस अणु के बीच कोई भी आकर्षण बल कार्य नहीं किया। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि इन्होंने आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए। अब मैं पूछूंगा ये अणु और इस अणु के बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्ड कार्य कर रहा है? आप कहोगे नहीं कर रहा है। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड भी वर्क नहीं कर रहा है तो कौन सा बॉन्ड वर्क कर रहा है? वान डर वाल्स बंद। और आपको अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था वान डर वाल्स बंद को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? कम ऊर्जा की आवश्यकता। कितनी ऊर्जा? 8 किलो जूल प्रति मोल से भी कम। अच्छा सोचो, अगर इनके अणुओं को अलग करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो इनके गलनांक और क्वथनांक पर पहुंचाने के लिए इन्हें टेम्परेचर भी कैसा देना पड़ेगा? कम देना पड़ेगा। तो इस बात को भी याद रखना है कि ऐसे पदार्थों के जो गलनांक अर्थात मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बीपी, ये दोनों ही कैसे होते हैं? कम। कोई रीजन अगर हमसे जानने की कोशिश करेगा तो इस बात को बताएंगे। देखो क्या बताएंगे कि अणुओं के मध्य यहां वान डर वाल्स बंद कार्य करता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो उन्हीं ने आपस में बना लिया, तो उन्होंने ये आपस में बना लिया तो अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड वर्क ही ना किया। इसने अपने साथ बना लिया हाइड्रोजन बॉन्ड, तो अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना, इसलिए इसके गलनांक और क्वथनांक कम है। तो मैं बताऊंगा कि कारण इसका क्या है, तो यहां कारण लिखते हैं। अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता। यह मत लिख देना कि हाइड्रोजन बॉन्ड पाया ही नहीं जाता, पाया जाता है, आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, इसलिए इनके गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं? कम। और इसकी बात लिखेंगे तो बताएंगे अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अगर इनमें से सारी चीजों को अलग से एक और चीज पढ़ना चाहो तो क्या पढ़ सकते हो? क्या चीज पढ़ सकते? ये हमेशा के लिए पढ़ सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आबंध की शक्ति के। अगर इस बाकी सारी चीजें नहीं जानते थे, इसको भी ध्यान रखो, आगे के समय पर काम करेगा। क्या काम करेगा कि अगर किसी भी बॉन्ड की पावर ज्यादा है, पावर ज्यादा का मतलब जानते हो, आसानी से नहीं टूटता है, आपको ऐसा कोई बॉन्ड मिल गया जो पावरफुल बॉन्ड है, आसानी से नहीं टूटने वाला है, तो बेटा अगर पावरफुल बॉन्ड होगा जो आसानी से ब्रेक नहीं होगा, उसके गलनांक और क्वथनांक भी ज्यादा उच्च होंगे। हाई कैपेसिटी का अगर बॉन्ड है, हाई स्ट्रेंथ का बॉन्ड है जिसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है, तो फिर उसका गलनांक क्वथनांक भी बहुत अधिक है। अगर कोई लो एनर्जी डिसोसिएशन वाला बॉन्ड है जो कम एनर्जी पर ही टूट जाता है, तो क्योंकि कम एनर्जी पर टूटता है, इसके गलनांक और क्वथनांक भी दोनों कैसे रहने वाले हैं? कम। तो बेटा इस रीजन को तैयार रखोगे। एक और बात है, आठवां नंबर हो गया बेटा, नवा नंबर मैं यहीं से लिखना स्टार्ट कर देता हूं, फिनॉल पर नौ नंबर के गुण को। देखो एक और चीज याद रख लेना इसमें से, क्या इसमें से याद रख लेना है कि अगर ऑर्थो कंडीशन में ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल के पास मैं जल का अणु रख भी देता, सोचने वाली बात है, ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल में अगर मैं ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल के बगल में जल का अणु रख भी देता तो भी ये हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? नजदीक। और क्योंकि ये आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते, सोचने वाली बात है, क्या ये मॉलिक्यूल अगर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते तो क्या ये फ्लोरीन इसके एच के साथ कभी बॉन्ड बनाता? नहीं बनाता, क्योंकि उसको तो आपस में ही बॉन्ड बनाने में मजा आ रहा है। तो क्योंकि ये फ्लोरीन अब जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड ना बना पाता, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ऑर्थो फ्लोरो कंपाउंड जो होता है फिनॉल का, ये जल में भी अघुलनशील होता है। अच्छा इसमें से पूछेगा भी क्यों? क्योंकि बताओगे ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल में तो फिनॉल फ्लोरीन के साथ ही अपने बॉन्ड बना लेता है, किसी भी दूसरे अणु की आवश्यकता ही नहीं इसको। अब सोचो इसको बॉन्ड बनाने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए जब आपस में ही बना रहा, तो क्या जल की आवश्यकता है? नहीं, क्योंकि जल की आवश्यकता नहीं है,
ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल जो होता है वो जल में कैसा होता है, अघुलनशील। तो मैं क्या सोचता हूं, या तो भैया 9 नंबर पे इस बात को लिखें और या तो इसी में लिख दें, या मैं लिखे देता हूं, देखो कैसे। यदि फ्लोरो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, CHO ग्रुप या COOH ग्रुप, ग्रुप को GRP लिख दें, ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर उपस्थित है, ऑर्थो पोजीशन पर उपस्थित है, तो वह जल के अणुओं के साथ, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि वे तो परमाणु आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जल के अणुओं की आवश्यकता ही नहीं उनको, तो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, अतः ये यौगिक जल जल में अघुलनशील होते हैं। अच्छा, ये वाली बात तो देखो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, क्या लिखा है, कहता है यदि फ्लोरो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है, ऑर्थो पोजीशन पर उपस्थित है, इस कंडीशन में केवल वह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा और जल में अघुलनशील होगा, लेकिन अगर पैरा पोजीशन पर फ्लोरो उपस्थित है तो फिर यह फ्लोरो जो है यह इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता है। सोचो, पैरा पोजीशन पर फ्लोरीन है तो क्या यह फ्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए अणुओं का पास भी तो होना जरूरी है, और यहां देखो फ्लोरीन और हाइड्रोजन एक दूसरे से काफी अधिक दूरी पर है, तो ये फ्लोरीन अब जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ऊपर ये भी बना सकता है जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो पैरा पोजीशन वाले कंपाउंड जल में घुलनशील होंगे, लेकिन ऑर्थो पोजीशन में अगर ये भी ग्रुप किसी में लगा है तो वो जल में घुलनशील होने वाला नहीं है। तो मैंने ऑर्थो पोजीशन पर लगे ग्रुप को बता दिया है और पैरा पोजीशन पर लगे ग्रुप इसका जस्ट कैसा दिखाएंगे, विपरीत प्रभाव दिखाएंगे। तो मैं ये लिख भी देता हूं 9 नंबर पे ही, जबकि पैरा पोजीशन पर यह गुण विपरीत हो जाता है। विपरीत क्या हो जाता है, विपरीत का मतलब घुलने लगता है, अब विपरीत हो जाता है, तो फिनॉल के भैया इतने भौतिक गुण जो हैं वो याद रखोगे, वैसे फिनॉल का एक भौतिक गुण छूटा जा रहा है, छोटा सा भौतिक गुण, इसलिए उसको लास्ट में लिख देते हैं कि फिनॉल जो होते हैं वो प्रकृति में विषैले होते हैं। एक तो बात लिखी थी फिनॉल प्रकृति में अम्लीय होते हैं, ये तो लिखा ही था, और साथ में एक और बात लिख लेते हैं कि फिनॉल जो होते हैं प्रकृति में विषैले होते हैं, तो मैं लास्ट नंबर लिखता हूं कि ये प्रकृति में विषैले होते हैं। तो बेटा ये हो गए फिनॉल के भौतिक गुण, जिनमें से कुछ भौतिक गुण तो पिछली क्लास में पढ़े थे, और बचे हुए 6 नंबर से 10 नंबर तक ये भौतिक गुण पढ़े हम लोगों ने आज की क्लास पे। तो एक काम करेंगे, इनको जल्दी से नोट करेंगे और फिर अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि फिनॉल अपनी रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे करता है। वैसे भी फिनॉल पर रासायनिक गुण 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं मैं थोड़ी देर के लिए बता देता हूं। अगर हम लोग फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ने चलें, फिनॉल, तो बेटा फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी में से मैं फिनॉल का पहले वहां फिगर बना देता हूं और फिर इस पर बात करते हैं कि कौन कौन से रासायनिक गुण या किस किस प्रकार के रासायनिक गुण फिनॉल में देखने को मिल सकते हैं।
तो बेटा फिनॉल का वैसे तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लोगों ने कई जगह यूज किया है, लेकिन आज ये फॉर्मूला देखो दिखाते हैं। कौन कौन से रासायनिक गुण? तीन प्रकार के रासायनिक गुण देखने को मिलते हैं। पहला रासायनिक गुण, जब फिनॉल में O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, और बॉन्ड का ब्रेक होना इस बात को दिखाता है कि अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो कोई नया बॉन्ड बनेगा भी, और नया बॉन्ड बनना, पुराना बॉन्ड ब्रेक होना, इसी घटना को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो एक तो रासायनिक अभिक्रिया तब होती है जब O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया कब होती है? जब बेटा C6H5 और OA के बीच का बॉन्ड टूटता है, इस बॉन्ड के भी टूटने पर अभिक्रिया होती है। और तीसरी रासायनिक अभिक्रिया होती है जब हम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, अर्थात बेंजीन के उस रिंग स्ट्रक्चर पर अभिक्रियाओं को दिखाते हैं। तो फिनॉल पर मुख्य रूप से तीन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं अवेलेबल हैं। पहला जान गए कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने पर, OH के बीच में। दूसरा O और कार्बनिक ऑर्गेनिक ग्रुप के बीच में बॉन्ड टूटने से, और तीसरा जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड टूटेगा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं। तो मैं क्या सोचता हूं, मैं एक तरफ से स्टार्ट करता हूं, सारी अभिक्रियां एक ही में नहीं लिख देंगे, अभी केवल और केवल उन रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे जिनमें बेटा O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। क्या है कि एक साथ सारी अभिक्रियाओं को मिलाकर पढ़ लेने में ठीक नहीं लगेगा, अभी की सारी टेंशन से मुक्त होकर बस इस बात पर चर्चा करेंगे कि O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो मैंने देखो इस बात को कैसे बनाने की कोशिश की है, आप C6H5 लिख लें, O लिख लें और H लिख लें, और इस बॉन्ड को मैंने क्या करके लिख रखा है, तोड़ करके। इससे क्या होगा, आप लोगों को पता चल जाएगा हम कौन सा बॉन्ड भी ब्रेक करने वाले हैं, O और H के बीच का बॉन्ड। केवल इस बॉन्ड के टूटने पर और इस जगह पर नए बॉन्ड के बनने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। तो बेटा उनमें से रासायनिक अभिक्रियाओं को अगर पढ़ना स्टार्ट करें तो मेरे पास पहली रासायनिक अभिक्रिया है, कहता है क्षार से क्रिया। क्षार से क्रिया, बेटा एक बात और यहां पर अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना, अगर कभी कोई व्यक्ति कहता है कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति का है, कैसे सिद्ध करके दिखाओगे, या फिनॉल की अम्लीय प्रकृति बताइए, तो बेटा आप दो काम कर सकते हो। पहला काम, आप फिनॉल की अभिक्रिया किससे करवा दो, क्षार। अगर फिनॉल अम्लीय है तो अम्लीय होने के कारण यह क्षार से अभिक्रिया करके जल और लवण देगा। भैया एक अम्ल की क्या विशेषता होती है, वो क्षार से अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, जल और लवण। अगर फिनॉल अम्ल है तो ये भी क्षार से अभिक्रिया करेगा और जल और लवण बनाएगा। तो एक ये अभिक्रिया दिखा सकते हो, और दूसरी अभिक्रिया दिखा सकते हो जो मैंने आपको बताया था कि फिनॉल को जल में घोलने पर या फिनॉक्साइड आयन में टूट जाता था और हाइड्रोजन आयन देता था, एक वो अभिक्रिया दिखा सकते हो, क्योंकि एक प्रकार से मैंने उसको एक्सप्लेन कर रखा है, आज चलते हैं दूसरे प्रकार से उसको देखने। तो ये क्षार से अभिक्रिया कहां लिख सकते हो, जब आपको फिनॉल की कौन सी प्रकृति पूछेगा, अम्लीय प्रकृति। देखो फिनॉल को कैसे लिख लेते हैं, फिनॉल का फॉर्मूला C6H5OH, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी बना सकते थे, वो रिंग वाला स्ट्रक्चर नहीं बना लेते थे, लेकिन अभी क्या ऐसे ऐसे काम समझ में आ रहा है हमको, इसीलिए भी इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा फिनॉल में अभिक्रिया करनी है क्षार की, तो बेटा कोई भी क्षार ले सकते थे, या तो NaOH को इस्तेमाल कर लेते या KOH को। अच्छा मैंने बोला भी था कौन सा बॉन्ड टूटेगा, O और H के बीच का, तो भैया ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, H ने अभिक्रिया कर ली OH के साथ। अगर H OH के साथ अभिक्रिया कर लेगा, पहला पदार्थ बनकर तैयार होगा जल, और बेटा मैं देखता हूं मेरे पास और क्या बचता है, तो मेरे पास बचता है फिनॉल का C6H5O और जिसके साथ जुड़ जाएगा Na। कोई पूछेगा इसका नाम क्या है, तो भैया पहले इसका नाम है सोडियम, और C6H5 को कहते हैं फिनॉक्साइड, फिनॉल से बना हुआ फॉर्मूला इसलिए फिनॉक्साइड। अब थोड़ा सा ध्यान से अगर इसको देखेंगे, देखो फिनॉल अम्लीय नेचर को दिखा भी रहा, कैसे फिनॉल अम्ल है, अभिक्रिया क्षार से कर रहा है, और अभिक्रिया के दौरान बना रहा है जल और लवण।
ये अम्ल की पहचान तो होती है भाई। अम्ल की पहचान क्या होती है? अम्ल का मतलब समझ रहे हो, एसिड की ये पहचान होती है कि वो अभिक्रिया करता है बेस से। अम्ल की ये पहचान होती है वो अभिक्रिया करता है क्षार से, बनाता है लवण। लवण को हम क्या लिख सकते हैं? साल्ट। और साथ में बनाता है जल, मतलब वाटर। तो इस अभिक्रिया को अगर मैच करें, देखो वाटर वाटर से मैच हो रहा है, साल्ट साल्ट से मैच हो रहा है, क्षार क्षार से मैच हो रहा है, तो पक्का फिनॉल कैसा है? अम्लीय है। तो एक ऐसा भी नेचर हम लोगों को पता चल जाता है। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, एक दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ेंगे, लिखता है क्रियाशील धातुओं से अभिक्रिया, क्रियाशील धातुओं से क्रिया। वैसे मैं अगर बताऊं, आप तकरीबन इनमें से बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ चुके हो। क्यों पढ़ चुके हो बेटा? एल्कोहल में नहीं पढ़ा है? एल्कोहल में भी तो यही बॉन्ड टूटता था, आज फिनॉल में तोड़ना पड़ रहा है यही बॉन्ड। अब देखो कैसे अभिक्रिया करवाते हैं। फिनॉल का फॉर्मूला लेते हैं तो C6H5OH, और अभिक्रिया करवाते हैं किसी क्रियाशील। अच्छा ये भी याद रखने देना बेटा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में तीन प्रकार की धातुएं बोली गई हैं। वैसे तो कहोगे धातुएं तीन प्रकार की, बेटा बहुत प्रकार की हैं, लेकिन उसे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में पहली कैटेगरी है जो धातुएं बहुत ही तीव्रता से अभिक्रियाएं करती हैं, उन धातुओं को कहते हैं क्रियाशील धातु। दूसरी धातुएं कौन सी होती हैं? जो अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाएं करती हैं, इनको हम नाम देते हैं मध्यम क्रियाशील धातु। और तीसरी धातुएं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, और ऐसी धातुओं को कहते हैं लगभग अक्रिय धातु। जैसे सोना चांदी और प्लेटिनम, ये अक्रिय धातुओं की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी अपने आप में बहुत कम है। सोचो सोना चांदी आपके घर में रखा रहता है, और रखा रहने आप लोग ऐसा भी सुनते हो कहेंगे ये बाबा के जमाने का है, जो अभी सोना चांदी चल रहा है, इसका मतलब वो पिछले 150-200 वर्षों से अभी तक आपके घर में रखा है, खराब नहीं हुआ। क्यों खराब नहीं हुआ? क्योंकि इसने वायु से अभिक्रिया आसानी से नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि इसकी क्रियाशीलता कैसी थी? कम थी। लेकिन मैं क्या बोलता हूं, आप लोहे पर आ जाओ। अब क्या लोहे को 200-300 साल तक रखा जा सकता है? लोहे को रखोगे भैया 4-6 महीने में, अगर आप उसको देख रेख नहीं करते हो, बिल्कुल खराब होने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसकी क्रियाशीलता अपेक्षाकृत थोड़ी सी ज्यादा है, और ये आता है मध्यम क्रियाशील धातुओं में, इसलिए ये कुछ महीनों में खराब हो जाता है रासायनिक अभिक्रिया करके वायु से। अब मैं तीसरी धातु पे आ जाता हूं, लिथियम। देखा है तुम लोगों ने? अच्छा बताओ, पोटेशियम नहीं देखा है? जानते हो क्यों नहीं देखा है? रीजन है कि अगर आप लिथियम को ले आओगे उसका रख रखाव कठिन है, सोडियम को ले आओगे रख रखाव कठिन। मैं सोडियम के बारे में ये नहीं कहूंगा कि आपने देखा नहीं है, क्योंकि सोडियम को कहीं देखा होगा, मैं भी बताऊंगा कहां देखा होगा। लिथियम सोडियम इनको अगर हवा में रख दिया जाए, ये तुरंत अभिक्रिया करके नष्ट हो जाएंगे, इसलिए लिथियम को कम देखने को मिलता है। रीजन है आप लेके आए, खरीद के लाए, आप दिखाने के लिए लाए, सोच रहे हैं कि कल सुबह सर जी को दिखाएंगे, और उसको आपने रखा, वो रात भर में भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नष्ट हो गया। अभिक्रिया कर लिया, खराब हो गया पदार्थ, सोडियम नष्ट हो गया, भैया तो सुबह दिखा नहीं पाए। सोडियम को देखा होगा लैब में, मिट्टी के तेल पर सोडियम को डुबा करके रखते हैं, ऐसे हवा में रख देंगे तो जल जाएगा, वो खराब हो जाएगा। सोडियम का टुकड़ा पानी में डालते ही जल उठता है, अत्यंत क्रियाशील पदार्थ है। अब समझ लो, तो हम लोगों को रिएक्शन कौन सी धातु से करवानी है? जो धातु बहुत अधिक क्रियाशील है। हम लोगों को लोहा वगैरह से रिएक्शन नहीं करवानी है जो मध्यम क्रियाशील है। हम लोगों को सोना चांदी प्लेटिनम से धातु से अभिक्रिया नहीं करवानी है जो बिल्कुल ना के बराबर क्रियाशील है। हमें केवल या तो लिथियम से दिखा दो, या सोडियम से दिखा दो अभिक्रिया, या पोटेशियम से, अत्यंत या बहुत अत्यधिक क्रियाशील धातुओं से अभिक्रिया दिखानी है। यह ध्यान रखना इस बात को, यहां पर कोई व्यक्ति जिंक लोहे की अभिक्रिया लिखकर मत आ जाना। इस प्रकार की अभिक्रिया को दिखाने के लिए आपको ध्यान रखना है, एक अत्यंत क्रियाशील धातु की आवश्यकता होती है। मैंने सोडियम ही ले रखा है, लिथियम भी ले सकते हो, पोटेशियम भी ले सकते हो। होगा क्या, ये इसी बॉन्ड को ब्रेक करेगा। अच्छा ब्रेक करेगा तो H को कैसा कर देगा? हटा देगा। बेटा H दूर आ गया, लेकिन H को आप ऐसा लिख दीजिए हाफ H2, रिएक्शन भी बैलेंस हो गई और एक H का काम भी हो गया।
अच्छा C2H6H5O के बाद किसको जोड़ दिया जाए, Na, C6H5O Na। और बेटा मैं क्या बोलता हूं, इसका भी देखो फॉर्मूला सेम है ना, तो इसका भी नाम हो जाएगा सोडियम फिनोक्साइड, यह भी एक प्रकार का साल्ट है। तो इस प्रकार से आप अभिक्रिया को दिखा सकते हो। बेटा दो रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई, अभी चलते हैं और पढ़ते हैं तीसरे नंबर पर लिखी रासायनिक अभिक्रिया को। तीसरे नंबर पर रासायनिक अभिक्रिया को कहता है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया। अभिकर्मक को रिएजेंट भी कहते हैं, और एक बार मैंने बताया भी था कि रिएजेंट किसको कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक प्रयोगशाला में रखे ऐसे पदार्थ जिनकी सहायता से हम किसी दूसरे पदार्थ की क्या पकड़ सकते हैं, पहचान, हम ऐसे पदार्थों को कहते हैं अभिकर्मक। ग्रिगनार्ड रिएजेंट भी बहुत सारे पदार्थों की पहचान कर सकता है, इसलिए हमने इसका नाम डाल दिया अभिकर्मक। वैसे भी रासायनिक प्रयोगशाला में जितने भी केमिकल आपको ज्यादातर मिलेंगे, ज्यादातर सभी केमिकल्स को अभिकर्मक कहते हैं। फिलहाल मैं उस बात को छोड़कर चलता हूं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया करवाते हैं फिनॉल की। देखो फिनॉल से कैसे अभिक्रिया करवाओगे, फिनॉल का फॉर्मूला लिख लिया C6H5OH, और बेटा ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवानी है। आपको पता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है RMgX, या एक और फॉर्मूला अगर ध्यान से देखो, मैंने ARMgX बताया था, आप चाहो तो ARMgX वाला यूज कर लें, या तो भैया पुराने समय से हम लोग पढ़ते चले हैं RMgX, R की जगह पर बेटा मैंने यूज किया है CH3, Mg तो लिखा ही है, और X की जगह पर मैं Cl को यूज कर लेता हूं। वैसे आप किसी को भी I को यूज कर सकते हो, BR को यूज कर सकते हो, ये तो आपकी मर्जी है। अच्छा तरीका क्या है, क्योंकि बॉन्ड हमें पता है कौन सा तोड़ना है, तो बॉन्ड तोड़ना है यही, तो ये बॉन्ड टूटकर जुड़ जाएगा CH3 के साथ। अगर बेटा CH3 के साथ जुड़ेगा तो देखो CH3H के साथ अगर जुड़ता है, पहला कंपोनेंट बना लेता है CH4, और मेरे पास दूसरा जो कंपोनेंट बचता है C6H5O MgCl। अच्छा इसका नाम तो सभी जानते हो, मेथेन या मीथेन कहते हैं, इसे मार्स गैस भी कहते हैं। कोयले की खदानों में जब कोयले की खुदाई होती है, वहां ये मेथेन गैस निकलती भी है, यही रीजन होता है कि बहुत सावधानी से ही वहां काम किए जाते हैं, क्योंकि मेथेन गैस बहुत ज्यादा ज्वलनशील होती है। तो होता कि अगर वहां से गैस का रिसाव हो गया, तो कोयले की खदानों में खुदाई करते वक्त अगर जरा सी भी चिंगारी उत्पन्न हो गई, तो मेथेन गैस क्योंकि अत्यंत ज्वलनशील है, ये पूरी उस खान को क्या कर सकता है, जला सकता है। इसलिए ध्यान रखा जाता है, और इसे नमी नम वातावरण में कोयले की खुदाई रखी जाती है, कि वातावरण नम होगा तो आग लगने का डर कैसा रहेगा, कम रहेगा। बाकी इसको ध्यान रखेंगे। दलदल का नाम सुना है तुम लोगों ने, दलदल का नाम सुना है, पुरानी मूवी में दिखाया करते थे कि एक जगह होता था पानी से भरी हुई जगह, वह अगर कोई व्यक्ति गिर जाता था तो उसमें धीरे धीरे कहां चला जाता था, नीचे। तो उसकी पहचान इसी गैस के रिसाव से की जाती है, मेथेन दलदल से निकलने वाली गैस है, जहां से दलदल होगा ऐसा एरिया होगा, वहां से मीथेन गैस के बुलबुले निकलते होंगे, उस एरिया पर कभी नहीं जाना है। और यह भी ध्यान रखने वाला है, ये अपने यहां के यूपी में नहीं मिलने वाला है, समझ रहे हो, कि अभी दलदल ढूंढने निकले हैं और खेत की तरफ निकल गए कहीं, ये अपने क्षेत्र में नहीं मिलता है, केवल उन्हीं क्षेत्रों में है जहां पर मीथेन गैस है। और बेटा ये ज्यादातर कौन से इलाकों पर अवेलेबल है, ये अपने क्षेत्रों पर तो है ही नहीं, जहां पर कोयले के भंडार हैं या फिर ऐसे स्थानों पर ही मिल पाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। इसका नाम बेटा याद कर लेते हैं, देखो इसका, इसको कहते हैं फेनिल ऑक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। फेनिल ना कहना चाहो फिनाइल, ऑक्सी मैग्नीशियम, और बेटा क्लोरीन लगा है इसलिए क्लोराइड, और ब्रोमीन लगा होता तो हम उसको जल्दी से ही सही करते और क्लोराइड को हम ब्रोमाइड में चेंज कर देते। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं,
CH3COCl से क्रिया। अच्छा CH3COCl को कहते हैं एसीटिल क्लोराइड, और एसीटिल क्लोराइड से जब भी किसी पदार्थ की अभिक्रिया हुई है, इस अभिक्रिया को हम एक और नाम से जानते हैं, एसिलीकरण। या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एसाइलेशन रिएक्शन। तो अभिक्रिया देखो कैसे करवाते हैं, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को लेना है CH3COCl, और बेटा इस पर अभिक्रिया करवानी है फिनॉल की। देखो फिनॉल कैसे लिखते हैं, C6H5OH। परेशानी तो नहीं है इससे, उल्टा लिख लिया है मैंने केवल। क्यों उल्टा लिख लिया है देखो भी, क्योंकि हम इस बात को जान सके, आसानी से पहचान सके। H को थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं कि भैया बॉन्ड तो और H के बीच का टूटेगा, और जब ओ एच के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो ये H अभिक्रिया कर लेगा Cl से। अब देखो H और Cl को आसानी से मिलाया जा सका। मैं उधर लिख देता तो भी मिलाते हम H को ही Cl से, लेकिन थोड़ी सी लाइनें हमें ज्यादा लिखनी पड़ती। तो HCl से अभिक्रिया करके पहला पदार्थ बनाकर तैयार करेगा HCl गैस, और दूसरा पदार्थ बनकर तैयार होगा CH3COOH। CH3COOH CH3COOH C6H5। नाम याद रखना इसको, पहले तो इस वाले भाग का नाम है फिनाइल C6H5 का, फिनाइल। और बेटा जरा से इस वाले फॉर्मूले को देखो, CH3COOH एसीटिक अम्ल से बनाया गया ये, इसलिए नाम के लास्ट में हम इसको क्या लिखेंगे, एसीटेट। तो फेनिल एसीटेट या फिनाइल एसीटेट इसको कहते हैं। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, एक और रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ते हैं जिनमें ओ और एच के ही बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। कहता है एसिड एनहाइड्राइड से क्रिया। और आपको ये बात जान के और भी प्रसन्नता होगी, एसिड एनहाइड्राइड से भी अभिक्रिया को एसिलीकरण ही कहते हैं। तो इन दोनों ही अभिक्रियाओं को हम एसिलीकरण के नाम से ही जानते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं क्या सोचता हूं, इस बात को तैयार रखना है। एसिलीकरण क्या है, कोई भी एक अभिक्रिया लिख के आ जानी है, और इस पर भी तो बात कर ले, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड बेटा कहीं पर बनाया जाए। पहले तो बनाया कैसे, हमने एक एसिड उठा लिया जिसका नाम था एसीटिक एसिड, और हमने इसको कैसे किया, इन दोनों एसिड, दोनों एसीटिक एसिड के अणुओं में से यहां से एच हटाया, यहां से ओ एच हटाया, जल को हटा दिया। जल को हटाने में देखो ये वाला ओ जो है इसको दोनों के बीच में लिख लेते हैं, बन गया एसीटिक एनहाइड्राइड। इसको एसिड एनहाइड्राइड भी कहते हैं, क्योंकि एसिड इसलिए कहा क्योंकि हमने एसिड लिया था, एन का मतलब हटा दिया, हाइड्राइड का मतलब जल को। तो इस पदार्थ से हमें यहां अभिक्रिया करवानी है, पदार्थ देखने में अच्छा लगे, इसलिए देखो अभिक्रिया को लिख लेते हैं CH3CO CH3CO, और बेटा ये लिख दिया। अभिक्रिया किससे होनी है, फिनॉल से। फिनॉल का सूत्र है C6H5OH, ध्यान से देखने वाली बात है इसको देखना। अच्छा बॉन्ड तो O और H के ही बीच टूट रहा है, तो मतलब मैं क्या सोचता हूं, एक और भाग ये वाला जुड़ेगा और एक और जुड़ेगा केवल H, तभी तो O और H के बीच का बॉन्ड टूटा हुआ पता चलेगा। देखो क्या हुआ, हमने इसको यहां से ब्रेक कर दिया बॉन्ड को, एक तरफ मिल गया एच और दूसरी ओर मिल गया C6H5O। देखो C6H5O और एच के बीच का बॉन्ड टूटा है, अगर ऐसा टूटेगा तो ऊपर बनेगा CH3COOH, CH3COOH, अर्थात इसको कहते हैं एसीटिक एसिड, और दूसरा पदार्थ बनेगा CH3COOH C6H5।
CH3COC6H5। और बेटा इसका नाम लिखने की जरूरत नहीं, देखो सेम फॉर्मूला लिखा है। हाँ इसका नाम जरूर याद रख लेना, एसीटिक एसिड इसको कहते हैं, एसीटिक एसिड, जिसको एसीटिक अम्ल भी कहते हैं। सिरके में ये पाया जाता है। तो अभी एक काम करेंगे, इनको जल्दी से नोट करेंगे और बाकी के जो रासायनिक गुण और उपयोग हैं इनको पढ़ेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पे।